हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ। हम बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पर बनाएंगे। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ बॉल में ठंडा दूध लिया है। मैं यहाँ 250 ml दूध से आइसक्रीम बना रही हूँ। 250 ml दूध को मैंने यहाँ बॉइल होने के लिए रखा हुआ है। ये मेरा पहले से रखा हुआ दूध है, थोड़ा दूध निकाल लिया था मैंने, उबला हुआ दूध है, ठंडा हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर पाउडर, आधा छोटी चम्मच डालेंगे भर के, आधा छोटी चम्मच जो हम टीस्पून यूज करते हैं इसका आधा डालेंगे हम। ज्यादा अगर छोटी आपके पास है तो एक डाल दीजिए, मेरे पास यहाँ थोड़ी बड़े साइज की इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। जीएमएस पाउडर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच भर के अच्छे से शुगर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और जीएमएस पाउडर को अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है। चीनी हमारी अच्छे से घुली नहीं है, वो गर्म दूध में घुल जाएगी। जो हमने 250 ml दूध लिया है वो अच्छे से गर्म हो गया है, बॉईल हो गया है। अब इसमें टेस्ट डालेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक हम पकाएंगे। छोड़ना नहीं है, मिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। ये देखिए दूध हमारा ठीक हो गया है, 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे उबालते हुए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम मिक्सी के जार में से फेंटने के लिए डाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम कलर, रेड कलर डाल देंगे 2 से 3 बूंद, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बना रहे हैं इसमें। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं एक बार 1 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी व्हिप्ड क्रीम, आधा कटोरी हम इसमें क्रीम डाल देंगे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच। दोबारा से ग्राइंड करेंगे हम इसे आधा मिनट के लिए। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर हम इस पर डाल देंगे। आइसक्रीम को जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बॉक्स को लीड लगा के फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। 2 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की नीचे से जम गई है तली से। इसे एक बार हम इस तरह से मिला देंगे स्पून की सहायता से, एक बार इसे दोबारा से फेंट ले। अब इसे ढककर हम जमने के लिए रख देते हैं, जब तक कि ये अच्छे से प्रॉपर जम नहीं जाती। ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर रेडी है। इसके हम स्ट्रॉबेरी से ही गार्निशिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।